हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोमिला कंवर आज की वीडियो में आपके साथ एक और कच्चे आम की रेसिपी अम्बुआ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी हिमाचल की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और आम के सीजन में ये हर घर में बहुत जोरों शोरों से बनाई जा रही होगी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट आगरा में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजनल, लोकल और ट्रेडिशनल रेसिपी को फॉलो करें, तो आइए आज की वीडियो में एक सिंपल सी खट्टी मीठी कच्चे आम की रेसिपी अम्बुआ को सीखे। आइए फिर शुरू करते हैं। अम्बुआ बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चे आम, मेथे, अजवाइन, हींग, मीठी सौंफ, शक्कर या गुड़ या चीनी, इसके अलावा जीरा, हल्दी, नमक, काला नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची। मैंने आम जो थे उनको धो करके छील के टुकड़ों में काट लिया है। मेरे पास जो आम थे उनकी गुठली बहुत ही सॉफ्ट थी, इसलिए मैंने उनको टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास जो आम है उनकी गुठली सख्त है तो उनको छील कर आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कटे हुए आम के टुकड़ों को तब तक उबाला जब तक के वो नर्म ना पड़ जाए, और उबलने के बाद वो कुछ इस तरह से है। मैंने लगभग 2 चम्मच तेल लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा, मेथी दाना, मीठी सौंफ, चुटकी भर हींग, अजवाइन, हल्दी, मिर्ची, काला नमक, सफेद नमक और काली मिर्ची, इन सभी को अच्छे से भूनेंगे। तड़के को भूनने के बाद मैंने उबले हुए आम के टुकड़े इसमें डाल दिए हैं और इनको थोड़ी देर मैंने पकाया था। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको पकने के लिए रख दें। बनने के बाद अम्बुआ कुछ इस प्रकार का लगता है। ये एक खट्टी मीठी चटपटी प्रेपरेशन होती है। इसे आप अपने स्वाद के अनुसार खट्टा, मीठा या तीखा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अम्बुआ की रेसिपी। मैं पहले भी आपके साथ कच्चे आम की एक रेसिपी बांजी शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। इट्स प्रोमिला कंवर साइनिंग ऑफ।